उदाहरण 10, इन संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। पहला, 3 × 10⁻⁸। संख्या 3 × 10⁻⁸ को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले हम 3 × 10⁸, यहाँ ऋण जो है, घात जो है ऋणात्मक है, इस घात को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे 1/10⁸ लिखेंगे। चूंकि हमने घातांक का नियम लगाया है, 1^m = 1/1m, तब 10⁸ जो है उसको हम बदल के इस नियम के द्वारा 1/10⁸ लिखे। यहाँ पे ऋणात्मक घात जो है धनात्मक में बदल गई। बराबर 3 × 1 = 3/10⁸ को हम लिखेंगे 1, के बाद हमारे पास 0, 8 होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब इस संख्या को हमको दशमलव में लिखना है, तो दशमलव संख्या में 3 के बाईं ओर 8 स्थान के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ दशमलव 3 के बाद होता है, तो जब हमारे पास यहाँ पे जो 1 के बाद 8 शून्य है, इन शून्यों को जब हम काटेंगे, संख्या 3 के बाईं ओर 8 स्थान के बाद दशमलव लगेगा, तो ये हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दशमलव, तब ये बनेगा 0.00001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 3। इस तरह से हमें 0.00000003 प्राप्त हुआ। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, 4.37 × 10⁵. हमें संख्या 4.37 × 10⁵ को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। यहाँ हम सबसे पहले 10⁻⁵ को धनात्मक में बदलेंगे, तो 4.37 × 10⁵ को धनात्मक में बदलने के लिए हम इसे लिखेंगे 1/10⁵। हमने यहाँ घातांक का नियम लगाया है, 1/m = 1/1m, बराबर 4.37 को जब हम 1 से गुणा करेंगे अंश में, तो ये हमें मिलेगा 4.37 × 10⁵। जब हम इस घात को संख्या में लिखेंगे, तो ये होगा 4.37 × 10⁵ को हम लिखेंगे 1 के बाद 5 शून्य 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें 4.37 को 1,00,000 से जब हम इसे भाग को दशमलव में लिखेंगे, तो ये 5 संख्या के बाद लगेगा, तब हम 4.37, ये जो दशमलव है, इस स्थान से 5 स्थान बाईं ओर जाएगा, तो ये पहला स्थान 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो दशमलव यहाँ आएगा और यहाँ पे हमने 0 लगा दिया।
तो हमें प्राप्त हुआ 0.00004 3 7। हमने दिए गए प्रश्न को दशमलव में व्यक्त किया। यह उदाहरण का हल होगा।